बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ इनसाइडर 24/7 और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक रूप और मेरे साथ इस वक्त मेरे साथी है आमिर अली। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला बड़गाम के मागम टाउन में, जो कि पहले से ही मशहूर है और ये जो मागम टाउन है टूरिस्ट स्पॉट में आता है, चूँकि जो टंगमर्ग है और श्रीनगर और टंगमर्ग के बीच में आता है। आपको खुद अब पता चल हो गया होगा कि इस टाउन की अहमियत कितनी होनी चाहिए। नाज़रीन, अगर आपको खुद भी मालूम है कि कोविड-19 की महामारी चल रही है, क्योंकि जो पिछले 2 सालों से चल के आ रही है और बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। नाज़रीन, आपको बताते चलूं कि फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात करें, जो इस वक्त मेडिकल स्टाफ है, और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स की बात करें तो पुलिस है, लेकिन उसके साथ साथ अगर मागम टाउन की बात करें, यहां पर आप खुद देख सकते हैं, एक तरफ मेडिकल और दूसरी तरफ पुलिस अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप मागम टाउन की तरफ एक बार देखिए कि यहाँ पर म्युनिसिपल कमेटी जो है वो गायब है, वो गहरी नींद में सोई हुई है, और यहाँ पर आप देखिए कि कोड़ा करकट कितना फैला हुआ है यहाँ पर। और आप खुद देखिए, इस वक्त हम मौजूद है बस स्टैंड मागम में, यहाँ पर दोनों ये मेटाडोर स्टैंड भी है और सोमो स्टैंड भी है, और आप यहाँ पर देखिए कोविड-19 को छोड़कर यहाँ के लोगों के लिए ये जो कूड़ा करकट यहाँ पे है वबाली जान है, लोगों के लिए ख़तरा है, लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस उनकी जान बचाने की कोशिश कर रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट उनकी जान बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन म्युनिसिपल कमेटी की बात करें उनकी जान ये जोखिम में डाल रहे हैं। आप खुद देखिए कि यहाँ पर म्युनिसिपल कमेटी नामो निशान नहीं है उनका, अगर वो यहाँ पे होते तो इतना कूड़ा करकट यहाँ पर नहीं होता। आप खुद देखिए कि इसकी वजह से वायरस, क्या इसकी वजह से तो बहुत सारी बीमारियाँ पैदा होगी और लोगों को इस वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन तो ज़रूरी है, लॉकडाउन की वजह से लोगों को घरों में रहने पर मजबूर कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ही ये भी कहा जाता है कि जो मुलाजमीन है वो ड्यूटी पर पहुँचे। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, तो म्युनिसिपल कमेटी के जो मुलाजमीन है वो कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पिछले 1 महीने से ऐसा लग रहा है कि जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन शुरू होने से पहले से यहाँ पर कूड़ा करकट जमा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये कूड़ा करकट नहीं उठाया गया है। आप देखिए कि इसकी हालत क्या है। जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर बहुत ही बदबू आ रही है इस कूड़ा करकट से, लेकिन यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो म्युनिसिपल कमेटी है, जो तहसीलदार अथॉरिटी है, वो इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। हमारी यही अपील रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से, यहाँ की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से, यहाँ की तहसीलदार एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनसे, कि इसकी तरफ भी एक बार नज़र डाली जाए ताकि लोगों की जान बचा जा सके। फ़िलहाल के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।